नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमारी फैमिली में कभी ना कभी किसी न किसी को हो ही जाती है। और वो समस्या होती है हमारी आंखों में इंस्टेंट ब्लू चले जाना, जैसे कि क्विक फिक्स या एल्फी। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में किसी बच्चों के खिलौने टीवी या रिमोट वगैरह को चिपकाते हुए हम जब उसे इंस्टेंट ब्लू एल्फी या क्विक फिक्स से चिपकाते हैं तो उसमें से कोई चीज हमारी आंख में चली जाती है और हमारी आंख को चिपका देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये समस्या भी कभी कभार पैदा हो जाती है कि हमारी आंख को रोशनी का खतरा भी उठाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस चीज से हम कैसे बच सकते हैं, इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट लोकेश दीक्षित और आप देख रहे हैं टेंशन के टॉप। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझने वाली जो बात होती है वो ये होती है कि वो जो एल्फी है, इंस्टेंट ग्लू है, हमारी आंख में जाती ही क्यों है। इसके पीछे दो कारण मेन होते हैं। पहला कारण होता है, मान लीजिए हमने कोई चीज ली, जैसे कि हमने ये चीज ली और ये दो टुकड़ों में टूट गया। हम क्या गलती करते हैं, उसके एक टुकड़े को लेके उसके ऊपर ऐसे करके एल्फी को या क्विक फिक्स को, जो सुपर ग्लू होता है बेसिकली, उसको ऐसे लगा देते हैं और उसे देखते हुए एकदम से ऐसे चिपकाते हैं, जो कि उसमें से कोई भी छोटी चीज हमारी आंख में छोटी छींट चली जाती है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है, हमें उसकी तरफ देखते हुए नहीं चिपकाना, हमें उसे देखने के बाद में आंखों से दूर करके उसको चिपकाना है, पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा मेन कारण ये होता है कि हमने वो एल्फी की जो छोटी वाली होती है, छोटी वाली ट्यूब आती है, उसको हमने 5 या 10 रुपए की ट्यूब ली, उसको आधा इस्तेमाल किया और आधा उठा के रख दिया। वो जो आधी ट्यूब है जो 5-10 दिन रखी रहती है कैप लगा होने के बाद में, तो उसका जो ऊपर का मुंह होता है उसके ऊपर वो सूख जाती है। जब हमें वो दोबारा इस्तेमाल करनी होती है तो दोबारा इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको वो हम दबा दबा के देखते हैं, आगे से निकलती तो है नहीं, तो हम किसी क्लास पेचकस से उसे पकड़ के उसके मुंह को दबा के उसे सीधा करते हैं। और जैसे हम उसे दबा के ऐसे देखते हैं कि उसमें से एल्फी वगैरह बाहर आ रही है कि नहीं आ रही, उसमें से कोई छोटी बूंद हमारी आंख में चली जाती है। तो हमें दोस्तों ये दोनों ही गलतियां नहीं करनी है, हमें उसे यूज करते समय अपनी आंखों से दूर की तरफ और जो उसका एंगल है आंखों की तरफ ना रख के थोड़ा दूर की तरफ रखना है, ताकि वो हमारी आंख में डायरेक्ट ना जा सके। उसके बाद आते हैं, अगर फिर भी वो हमारी आंख में चली जाए तो हमें क्या करना होगा ताकि हमारी आंख को हार्म ना हो। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हमें करना होता है, आंख को कभी भी खींच के ना खोलें, कभी भी आंख को प्रेसराइज करके ऐसे दोनों पलकों को पकड़ के इस तरह खींच के खोलने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो एल्फी होती है वो इतनी जबरदस्त आपस में स्किन को चिपकाएगी, अगर आपने उसे जोर से खींच के खोला तो आपकी स्किन को डैमेज भी हो सकता है और उसके ऊपर की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस लेयर होती है, वो भी खत्म हो सकती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा और जख्म भी बन जाएगा। तो सबसे पहले आंख को खींच के खोल लेना। उसके बाद अगर आपके आंख में एल्फी चलेगी तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आंख को जितनी जल्दी हो सके पानी के संपर्क में लेके आना है। अगर आपकी आंख में इंस्टेंट ग्लू चला जाता है तो तुरंत आंख को पानी के संपर्क में लेके आना, आंख के ऊपर बहुत ही जोर से अच्छी तरह से पेशेंट को लिटा दें और अपना उसके ऊपर पानी डालना शुरू करें। और अगर ऐसा नहीं हो सकता, आप अगर अकेले हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपने लेट के अपनी आंख के ऊपर पानी डालें, तो करना क्या है, बाल के टब में पानी लेना है, उसके अंदर बार 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 अपना मुंह खोलें ताकि वो जो पानी है वो आंख के अंदर चला जाए और आपकी जो एल्फी है वो स्किन में चिपके ना। बेसिकली होता क्या है कि जो एल्फी वगैरह होती है वो सुपर ग्लू होता है, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं पानी जाने से उसके एटम्स कमजोर हो जाते हैं और वो स्किन के सरफेस में आके बहुत ही ज्यादा नहीं चिपकता, तो वो आराम से छूट जाता है। और अगर बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी जो आंख है उसकी जो पलकें हैं वो आपस में स्टिक होकर ऐसे चिपक जाती हैं और हमारी आंख के अंदर पानी नहीं जा पाता और बाहर से पानी जाता रहता है, हमारे आंख के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, ऐसी कंडीशन में क्या करें कि एक छोटी कैंची वगैरह लेके अपने जो आंख के बाल हैं, पलकों के जो बाल हैं, एक साइड से उसको हल्का सा काट दें और आंख के बीच में पानी जाने का गैप बना दें, बाकी आप उसे खींच के कभी ना खोलें। उसके अंदर जब आपको लगे गैप बन गया है, आंख के अंदर पानी जा सकता है, तो उसमें आराम से पानी डालते रहें, बार बार फ्रीक्वेंटली वॉश करें ताकि उसके अंदर पानी जाए और आपकी आंख के अंदर जो एल्फी गई हुई है उसके बॉन्ड्स छूट जाए और वो आंख को ना चिपकाए। उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आपको लगे आंख के अंदर पानी आराम से चला गया है और आंख के बाहर भी हमने पानी को अच्छे से धो लिया है, अब हमें जलन पहले से कम हो गई है, तो उसके बाद क्या करना है, कोई भी कोल्ड क्रीम ले लें, कोई कोल्ड क्रीम ना हो तो आप घी ले लें, घी भी ना हो तो आप ऑलिव ऑयल वगैरह लेके और अपनी आंख के आसपास सतह पे अच्छी तरह से बिल्कुल आराम से स्मूथली लगा लें, ताकि जो एल्फी थोड़ी बहुत रह भी गई होगी आपकी आंख के सरफेस के आसपास वो अच्छी तरह से नहीं चिपकेगी और आपकी आंख को डैमेज होने से बचाया जा सकेगा। और अगर आपको लगता है कि इन सारा काम करने के बावजूद भी आपको कोई समस्या आ रही है, तो जिस भी डॉक्टर से आप आई स्पेशलिस्ट की सलाह लें और तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंचे, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आप अपना कोई भी
क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आके कोई भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और हमारी पूरी टीम आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेगी। थैंक यू दोस्तों, जय भारत, जय।